हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। अक्सर हमें सुनने के लिए मिलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम कैसे क्या टाइम निकाल लेती हो, वीडियो भी बनाती हो और घर के सारे काम भी कर लेते हो टाइम पर, कैसे करते हो, मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही देती हूँ कि मैं कैसे अपने सारे काम करती हूँ। तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और नर्सरी से जो पौधा लेकर आई थी ना मैं, उस पौधे में ना एक ही फूल लगा था, तो मैंने भगवान जी को चढ़ाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी कभी ना दो तीन भी फूल आ जाते हैं, तो आज एक ही फूल लगा था। तो मेरी तो पूजा वगैरह हो चुकी है, बस अभी थोड़ा काम है, मुझे टिफिन बनानी है। यहाँ पर मैं खाना भी बनाऊंगी और आप सबके साथ बात भी करूंगी, हम कैसे खुश रह सकते हैं और मैं कैसे खुश रहती हूँ। तो मैं एक होममेकर हूँ और मेरा ज़्यादातर टाइम घर के कामों में ही जाता है। मेरे बेटे को स्कूल लेने और छोड़ने भी मैं ही जाती हूँ और घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। तो बहुत सारा काम होता है और कब सुबह से लेकर रात हो जाती कुछ पता ही नहीं चलता है, पर इन सबके बीच भी मैं अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो मैं कैसे टाइम निकालती हूँ और कैसे खुश रहती हूँ, तो वैसे तो मैं अभी एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो जब मेरे पास, जब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मेरे पास दो तीन घंटे होते हैं, उस दो तीन घंटे में मैं अपने वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। तो बस मेरे पास ये टाइम होता है। फिर मैं उसको स्कूल से लाने के बाद मैं उसे खाना खिलाती हूँ, सुलाती हूँ, फिर मैं थोड़ा अपना काम करती हूँ, जो भी बचा हुआ काम है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा आराम भी करती हूँ और फिर उसके बाद शाम को हम थोड़ा नीचे घूमने भी जाते हैं, मैं और मेरा बेटा। और कभी कभी जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं जल्दी, तो हम बाहर भी घूमने जाते हैं। हस्बैंड को सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिलता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता है। तो सारे जो घर के काम है ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। कुछ लाना हो, कुछ करना हो, कोई मेहमान अगर आते हैं तो उनको बाहर वगैरह लेकर जाना, उनका ख्याल रखना, जैसे मार्केट जाना, सब कुछ करना मैं ही करती हूँ। जो भी मैं अपने घर के काम करती हूँ मैं खुशी खुशी करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है करना। मैंने ना एक टाइम टेबल बनाकर रखी है, तो उसमें मैं संडे से लेकर मंडे तक मुझे क्या क्या काम करना है, कौन से दिन मुझे क्या काम करना है, वो सारे मैं लिखकर रखती हूँ। मुझे कब उठना है सुबह और कौन से टाइम पर मैं कौन से काम कर सकती हूँ। तो मेरा जैसा टाइम टेबल है ऐसे हर किसी का नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग टाइम होता है। तो आपको जो भी टाइम अच्छा लगे आप उस टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हो। जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है, हमें याद भी होता है कि इस टाइम पर मुझे क्या काम करना है, नहीं करना है, और ख़ुद के लिए भी बहुत सारा टाइम मिल भी जाता है। कभी कभी ना ऐसा होता है,
फ़ोन पे बहुत देर तक बात करते रहते हैं और हमें ना टाइम का पता ही नहीं चलता है। फ़ोन में भी हम बहुत कुछ ऐसे चीज़ें देख लेते हैं और बस उसी की तरह हम करना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है हम फ़ोन जब भी देखते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए कि जिससे हम कुछ सीख सकें। तो खाना वगैरह मेरा अभी बन चुका है, बस थोड़ा ही बाकी है। मैंने ओम को, ओम के पापा को नाश्ता वगैरह दे दिया है, तो उन्होंने नाश्ता करके ही जाते हैं और टिफ़िन वगैरह भी दे दिया है। तो आज ओम के पापा को कुछ काम था उसके स्कूल के पास, तो आज ओम के पापा ओम को स्कूल में छोड़ने वाले हैं और फिर बाद में मैं उसे लेने जाऊंगी। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, तो सबसे पहले मैं नाश्ता करूंगी क्योंकि 9:30 बजे तक मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो हम लोग ज़्यादातर रोटी सब्जी ही सुबह नाश्ता करते हैं, कभी कभी पोहा उपमा वगैरह भी बनाती हूँ। तो आज मैंने भिंडी फ्राई किया है और यह मिर्ची की चटनी भी बनाई है और पराठे बनाए हैं। तो खाना वगैरह मेरा हो चुका है और लियो को भी देख सकते हो कैसा खेल रहा है। इसको ना कुछ मिल जाता है, बस उसी से खेलते रहता है। तो जैसे कि आज ओम को स्कूल ओम के पापा छोड़कर आए हैं, तो आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मुझे छोड़ने नहीं जाना पड़ा, नहीं तो मेरा बहुत सारा टाइम जाता है। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं हमेशा ना मैं सब कुछ लिख कर रखती हूँ, अगले मंथ हमें कहाँ पर जाना है और कुछ छुट्टियाँ अगर ओम के पापा की हो तो हम कहाँ पर जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें लेनी है और बहुत सारी चीज़ें होते हैं घर की जो चीज़ें होती है, बहुत सारे कहाँ पर क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ना याद नहीं रहती है, तो मैं वो सारे चीज़ें ना लिख कर रख देती हूँ। और प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना ना हमें बहुत मतलब टेंशन होने लगती है हर बात का। तो ये कुछ रूल थे जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और आगे करते रहूँगी ताकि मुझे सब कुछ करने में आसानी हो। और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा, जब भी आपके पास टाइम हो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप करिएगा, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, मुझे ओम को लाने जाना है स्कूल, तो मेरा भी काम हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बहुत ही अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।